नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु जी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी के जो कैलेंडर जारी किया गया है, यहाँ पे 6 जुलाई 2022 को कैलेंडर जारी किया गया, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और इसमें 2022 की जितनी वैकेंसी हैं और 23 की जो वैकेंसियाँ हैं, कुछ 23 की जनवरी फरवरी मार्च तक की वैकेंसियाँ को इसमें इंक्लूड किया गया है। और सबसे ज़्यादा बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस में वैकेंसी है, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे वो सिविलियन एमटीएस की हो, या और भी कई कई प्रश्न डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दूँ कि इसमें स्टेनोग्राफर के भी वैकेंसी आने वाली है, और आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कब आएगा फॉर्म, कब होगा लास्ट डेट, और कब तक एग्जाम की संभावना होगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले जो अभी आपको जैसे कि पता है कि सबसे पहले वाला जो पहले नंबर पे है, उसमें देखें तो हम लोग जो अभी एसएससी एमटीएस का निकला हुआ था, एमटीएस वाला जो कि इसका क्लोजिंग डेट भी हो गया और एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में। तो जुलाई में इसका एग्ज़ाम है और जिन लोगों ने डाला था वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में, ठीक है। स्टेनोग्राफर में बात करेंगे, आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम स्टेनोग्राफर पे पहुँचते हैं, उसके बाद इसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। 9वें नंबर पे आप लोग देखिएगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एनटी एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। ये फॉर्म आएगा आपका 20 अगस्त को आएगा, 5 सितंबर लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। नवंबर में इसकी संभावित तिथि होगी एग्ज़ाम कराने की, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि जब हम फॉर्म डालेंगे तब तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न अब ज़्यादा कट ऑफ जाने लगी है और सब कुछ आपका रिटर्न पर ही होता है, ठीक है। स्किल टेस्ट तो हम निकलवा ही देते हैं, बाकी स्किल टेस्ट निकलवा देने का मतलब है कि आप तैयारी करोगे तो हम इतने अच्छे से प्रैक्टिस करा देते हैं कि आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, वो भी हिंदी में, ठीक है। तो निकलवा देने का मतलब कुछ और मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर की रिटर्न की तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फॉर्म तो आएगा ही, तो कितनी वैकेंसी होगी वो सब बाद में आपको अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए इस बारे में क्या है कि अगर हम एमटीएस की बात करें तो कई जगह से एमटीएस की पोस्ट आई है, और सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस से वैकेंसी आई है। दूसरे नंबर पे आप सिलेक्शन फ्रेज वन वाला ही देख रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं रिक्रूटमेंट, आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दिल्ली पुलिस, ठीक है। हेड कांस्टेबल से आएगी दिल्ली पुलिस की, और आगे आएगा आपका रिक्रूटमेंट आप कांस्टेबल ड्राइवर से भी दिल्ली पुलिस में आने वाली है। ड्राइवर में अगर आप इच्छा रखते हैं तो जा सकते हैं। बाकी रिक्रूटमेंट आप हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस यहाँ पर AWO TPO यहाँ से भी आएगी, ठीक है। हिंदी जूनियर ट्रांसलेटर ये तो आएगा ही, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस ये भी आएगा, जिस साथ में सेंट्रल आर्म सपोर्ट यानी कि CI सब जो आपका CPSI वाला होता है वो तो आएगा ही। जूनियर इंजीनियर JEE का भी फॉर्म आ रहा है, साथ में स्टेनोग्राफर का मैंने बता ही दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 ये भी आ रहा है, ठीक है। टायर वन आपका ये भी हो जाएगा दिसंबर में, और साइंटिफिक असिस्टेंट ये इस बार कुछ नया जोड़ा गया है इसमें। आगे 12वें नंबर पे देखिए, ये भी नया जोड़ा गया है, रिक्रूटमेंट आप एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस, ये भी मौका मिलेगा आपको अगर आप दिल्ली पुलिस में एमटीएस के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर कम्बाइंड हायर सेकेंडरी ये फॉर्म तो आपका आएगा ही, आप डेट देख सकते हैं, ये PDF भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले थे, और यहाँ पे देखिए 16 नंबर पे रिक्रूटमेंट आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस, यानी कि अगर इस कैलेंडर में देखें, इस कैलेंडर में देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो दिल्ली पुलिस की है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में चाहे वो MTS की हो, चाहे वो कांस्टेबल JD हो, हेड कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, तो दिल्ली पुलिस की इस साल सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर चांस इस बार मिल सकता है, आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बनाइए, ठीक है। और स्टेनोग्राफर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर का फॉर्म आएगा इस बार, ठीक है। वो तो कैलेंडर में पहले भी दिया गया था, लेकिन अब और स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि कैलेंडर में यहाँ पे चेंज कर दिया, पहले तो एग्ज़ाम आपका 23 में होने वाला था, लेकिन अब यहाँ पे नवंबर 2022 में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि जो है सारा कुछ यहाँ पे रिटर्न पे ही होता है। रिटर्न में आप जितना अच्छा नंबर पाएंगे, 100+ लाएंगे, तभी यहाँ पे आपको मौका मिल पाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।